हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में फिर से हम एक न्यू तोरण पट्टी का डिज़ाइन सीखने वाले हैं, तो पूरी वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हमने 2 प्लाईवुड लिया है और 7 mm के क्रोशिया, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक नॉट बनाना है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी 15 चैन लेना है। फिर हमें 3 चैन को स्किप करना है। 3 चैन स्किप करके 4th वाले चैन से, यानी चौथे वाले चैन से हमें डबल क्रोशेट बनाना है। 1 डबल क्रोशेट, 2, तो जो हमने 3 चैन स्किप किया है उस चैन को काउंट करेंगे तो 3 डबल क्रोशेट हो गया। अब हमें 2 चैन लेना है, 1, 2, 2 चैन लेकर पुनः वापस इसी जगह से हमें डबल क्रोशेट बनाना है। 1 डबल क्रोशेट, 2, 3, तो 3 डबल क्रोशेट बनाना है। फिर अब हमें वापस इसी जगह से इस तरह से सिंगल लारी में झालर को तैयार करेंगे। यहाँ से इसे लॉक करेंगे। फिर 5वें चैन से, 5th चैन से 1, 2, 3, 4, 5, 5th वाले चैन से हमें सिंगल क्रोशेट से लॉक करना है। फिर एक और झालर को तैयार करेंगे। फिर 5th वाले चैन से, यानी 5वें चैन से हमें डबल क्रोशेट बनाना है। यहाँ से हमें डबल क्रोशेट बनाना है, तो 3 डबल क्रोशेट बनाना है, 1, 2, 3, और 2 चैन लेंगे, 1, 2, 2 चैन लेकर फिर से हमें यहीं से नेक्स्ट वाले चैन से 3 डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। फिर अब हमें 3 चैन लेना है, 1, 2, 3, 3 चैन लेकर जो हमने 2 चैन बनाया था उसी के अंदर से हमें 3 डबल क्रोशेट बनाना है। फिर 2 चैन लेना है, 1, 2, 2 चैन लेकर वापस इसी जगह से 3 डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें फिर से झालर को तैयार करना है, इस तरह से निकालना है और धागा को पकड़ के इसके अंदर से लॉक करना है। फिर एक और बनाएंगे। तो इस तरह से 2 हमने बनाया सेकेंड रो में। अब हमें डायरेक्ट उस साइड डबल क्रोशेट बनाना है। यहाँ से तीन डबल क्रोशेट बनाएंगे और 2 चैन बनाएंगे, 1, 2, 2 चैन लेकर फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। बहुत ही इजी एंड सिंपल है। अगर आप क्रोशेट चलाना जानते हैं तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। फिर से हमें सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। 3 चैन लेकर
साइड से हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, डबल क्रोशेट ही बनाना है। फिर दो चैन लेंगे और तीन डबल क्रोशेट बनाएंगे, वन टू थ्री, तो थ्री डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर एक झालर को तैयार करेंगे और यहाँ से जो हमने बीच में लॉक किया था, यहाँ से इस बीच वाले से सिंगल क्रोशेट से लॉक करेंगे। फिर एक और झालर को तैयार करेंगे और साइड से डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। फिर से नेक्स्ट रो में हमें डायरेक्ट दो झालर को तैयार करके ओनली डबल क्रोशेट ही बनाना है। फिर नेक्स्ट रो में हाफ पार्ट से हमें लॉक करके लेना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें, मैं थोड़ा और बना कर दिखाती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको और भी तोरण पट्टी का डिज़ाइन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने बहुत सारा तोरण पट्टी का वीडियो अपलोड कर रखा है, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको तोरण चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर हमेशा नए डिज़ाइन में तोरण पट्टी देखने को मिलता रहेगा। तो अगर आप तोरण पट्टी बनाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। फिर से अब हमें एक झालर को तैयार करना है, फिर एक और झालर तैयार करेंगे और डायरेक्ट उस साइड डबल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ से डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। तो हमें थ्री डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। फिर तो इसी तरह से हमें सेम प्रोसेस को रिपीट करके लेना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और भी नए डिज़ाइन में तोरण पट्टी लेकर आ सकूं। तो चलिए मैं इसे थोड़ा और बना कर दिखाती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इतना बनाया है। आप अपने गेट के हिसाब से इसका लेंथ लीजिएगा। हमें बस सैंपल बनाना था तो हमने इतना बनाया है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो। तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आप नेक्स्ट टाइम की एक भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही नए नए डिज़ाइन में तोरण पट्टी देखने को मिलता रहेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह डिज़ाइन कैसा लगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।